हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोनी वेगास प्रो 13 के अंदर क्रोमा कीयर का इस्तेमाल बताऊंगा, कैसे हम लोग क्रोमा की का इस्तेमाल करते हैं और कैसे ब्लू स्क्रीन को कैसे हम लोग डिसअपेयर करते हैं। जनरली जो वीडियो रहता है क्रोमा वीडियोस, वो ब्लू या ग्रीन स्क्रीन रहता है, तो उसे कैसे हम लोग क्रोमा की कीयर के माध्यम से उसे हटाएंगे, ये मैं आपको सोनी वेगास प्रो 13 के अंदर बताऊँगा। ये देख सकते हैं मेरा सोनी वेगास प्रो 13 खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक क्रोमा वीडियो लेकर आता हूँ। तो क्रोमा वीडियो लाने के लिए क्या करेंगे, ये फाइल मेनू में जाएंगे। जाने के बाद नीचे आएंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद मीडिया, मीडिया पे मैंने क्लिक किया और इंपोर्ट मीडिया का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब मेरा एक क्रोमा वीडियो लेकर आना है, ये मैं लेकर क्रोमा का ये फोल्डर है, यहाँ देखिए RD1 नाम से एक वीडियो क्लिप है, जो क्रोमा क्रोमा वीडियो क्लिप है। इस पर मैंने माउस पॉइंटर रखा और क्लिक किया। करने के बाद नीचे ओपन पे क्लिक करूँगा। करने के साथ आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट मीडिया का जो लाइब्रेरी के दाहिने तरफ ये जो पैनल है वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लू स्क्रीन का आपको एक वीडियो क्लिप है, क्रोमा वीडियो क्लिप है। इसको मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा, रखने के बाद ड्रैग करते हुए इसे मैं टाइमलाइन विंडो पे लाके रखूँगा। पहला ट्रैक पे लाके मैंने रख दिया, ये देखिए फर्स्ट ट्रैक पे मेरा क्रोमा वीडियो है। ये देखिए ये मेरा क्रोमा वीडियो आ गया, ब्लू स्क्रीन है, जनरली ग्रीन और ब्लू स्क्रीन रहता है क्रोमा वीडियो वीडियो के अंदर। अब नीचे देख सकते हैं जो टाइमलाइन विंडो है वो पहला वाला वीडियो ट्रैक है, उसके बाद उसके साथ ऑडियो है। मुझे ऑडियो अगर नहीं रखना है क्रोमा वीडियो का तो क्या करेंगे, ये भी देख लें। इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा, वीडियो ट्रैक पे मैंने माउस पॉइंटर रखा और राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद एक कुछ ऑप्शन उभर कर आ जाएगा, ग्रुप में जाऊँगा, यहाँ रिमूव फ्रॉम पे क्लिक कर दूँगा, उसके बाद बाहर क्लिक करूँगा और सिर्फ नीचे वाला ऑडियो का जो ट्रैक है नीचे वेव फ्रॉम में दिखा उसको क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, फिर डिलीट। ये सिर्फ अब मेरा क्रोमा वीडियो रह गया। मैं आपको दिखाता हूँ, या वीडियो क्रोमा वीडियो देखें, ये देखिए ये ब्लू स्क्रीन है क्रोमा वीडियो का, ये देखिए ब्लू स्क्रीन है। और अब इस ब्लू स्क्रीन को हम मुझे डिलीट करना है और बैकग्राउंड में वीडियो चलेगा। अभी कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अब मैं एक मेन मेन वीडियो लेकर आता हूँ, तो सेम टू सेम उसी तरह लेकर आना होता है वीडियो क्लिप को। तो अगेन फाइल मेनू में क्लिक करूँगा, उसके बाद इंपोर्ट में जाऊँगा, उसके बाद इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक किया मैंने, इंपोर्ट मीडिया का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और ये डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने और एक मैं वीडियो क्लिप लेकर आता हूँ जो बैकग्राउंड में रहेगा। ये वीडियो 3 नाम से एक वीडियो क्लिप है, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दूंगा। अब नीचे टाइमलाइन विंडो में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो पहला वाला ट्रैक पे क्रोमा वीडियो है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू स्क्रीन का क्रोमा वीडियो है, और नीचे ट्रैक है वो ऑडियो का ट्रैक है। अगर इस ऑडियो का ट्रैक आपको नहीं रखना है, अगर नहीं चाहिए ऑडियो का ट्रैक, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ डिलीट ट्रैक कर देंगे तो सिर्फ वीडियो ट्रैक आ जाएगा, रह जाएगा। और मैं दूसरा जो वीडियो 3 नाम से जो क्लिप है जो बैकग्राउंड में चलेगा उसके ऊपर मैंने माउस पॉइंटर रखा और ड्रैग करते हुए ठीक टाइमलाइन विंडो पे ठीक वीडियो ट्रैक के नीचे मैंने रिलीज़ कर दिया। अब देखेंगे ऊपर का जो ट्रैक है वो क्रोमा क्रोमा वीडियो वीडियो फाइल है और नीचे वाला जो ट्रैक है वो नॉर्मल वीडियो क्लिप है। देखिए ये वीडियो क्लिप है और उसके साथ साथ नीचे उसके साथ ऑडियो भी है। अगर आपको ऑडियो नहीं रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी ऑडियो नहीं रखना है मुझे, अगर ऑडियो रखना है तो बेस्ट है, तो सेम उसी तरह आप डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे इसका ऑडियो नहीं चाहिए, दोनों का ऑडियो नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने माउस पॉइंटर रखा, राइट क्लिक किया, उसके बाद ग्रुप में गया मैं, रिमूव फ्रॉम, फिर बाहर क्लिक करूँगा। सिर्फ ये वेव फॉर्म में आप उसका ऑडियो दिखाई दे रहा है नॉर्मल वीडियो क्लिप का, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये मैं डिलीट कर दूँगा। अब सिर्फ हमारे पास दो देख सकते हैं, पहला वाला क्रोमा वीडियो क्लिप है, दूसरा वाला नॉर्मल वीडियो क्लिप है। अब इस ऊपर जो ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसे मुझे क्रोमा की के माध्यम से
इसे डिलीट करना है, रिमूव करना है, ताकि पीछे वाला जो वीडियो क्लिप है वो आपको दिखाई दे। तो पहला वाला जो क्रोमा वीडियो क्लिप है, जो पहला फर्स्ट ट्रैक ऊपर है, उसको सिलेक्ट करें। करने के बाद ऊपर देखेंगे कुछ आपको बटन दिखाई देगा, प्रोजेक्ट मीडिया एक्सप्लोरर ट्रांजिशन वीडियो इफेक्ट्स, वीडियो इफेक्ट्स जो बटन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो एक वीडियो इफेक्ट्स का पैनल आपको दिखाई देगा। यहाँ देखें ऑल नाम से एक फोल्डर है, उसके बगल में एक प्लस का साइन, उस पर क्लिक करें और ऑल फोल्डर के अंदर जितने भी फिल्टर्स हैं वो आपको दिखाई देगा। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रोमा क्लियर, ये देखिए क्रोमा क्लियर, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको प्रीसेट का एक बॉक्स रहेगा, उसमें आपको वो ऑप्शन क्रोमा की का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ग्रीन स्क्रीन, प्योर रेड स्क्रीन, प्योर ब्लू स्क्रीन, प्योर ग्रीन स्क्रीन यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, प्योर ब्लू स्क्रीन चाहिए तो आप ले सकते हैं, या ब्लू स्क्रीन सिर्फ चाहिए तो ये भी ले सकते हैं आप। तो मैं ब्लू स्क्रीन लेता हूँ, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा, ड्रैग करते हुए सिर्फ आपको क्या करना है, वो जो ब्लू जो आपका ब्लू क्रोमा का ब्लू वीडियो क्लिप था, जो क्रोमा वीडियो क्लिप था, उसके ऊपर लाकर रिलीज कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आपको पीछे वो बैकग्राउंड में जो वीडियो था वो आपको दिखाई देने लगेगा और ब्लू स्क्रीन चला जाएगा। यहाँ लो थ्रेशोल्ड, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा हल्का सा इसका भी इस्तेमाल, तो पूरा पूरा ग्रीन ब्लू डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ कलर देख सकते हैं, कलर ब्लू है। आप कर चाहे तो और कलर डीप लेना चाहते हैं, यहाँ से पूरा ब्लू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो इवेंट एफेक्ट्स का जो डायलॉग बॉक्स है उसे आप क्लोज कर दें। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इस वीडियो क्लिप को अब चलाता हूँ, प्ले करूँगा। ये देखिए बैकग्राउंड में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं क्रोमा क्रोमा वीडियो जो था ब्लू रंग का वो चला गया। देखिए ये देखिए, देख सकते हैं बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा, और ये जो भी ब्लू स्क्रीन था वो चला गया, देख सकते हैं आप। ये देखिए अगेन, ये देखिए, सोनी वेगस के अंदर ये देखिए यहाँ पे ब्लू स्क्रीन था, वो डिलीट हो जाने के बाद उसके अंदर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रहा है, चल रहा है। तो क्रोमा क्लियर के माध्यम से हम आसानी के साथ ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला ट्रैक में क्रोमा वीडियो क्लिप था, और नीचे वाला नॉर्मल वीडियो क्लिप है। तो इस तरह हम लोग सोनी वेगस प्रो 13 के अंदर क्रोमा क्लियर के माध्यम से क्रोमा की का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।